हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नॉलेज के एबीसी। हम आपके लिए आज लाए हैं एक्सरसाइज 14.4 क्लास 10 स्टेटिस्टिक्स, जिसके अंदर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे हम कैसे करते हैं। कोई भी डाटा हमें दिया है उसको पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, चाहे वो लेस देन टाइप हो या मोर देन टाइप, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करके फिर उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया, 50 वर्कर्स हैं, उनकी डेली इनकम दी है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो इसका पहले हम टेबल बनाएंगे। देखिए टेबल कैसे बनाते हैं हम। जो डेली इनकम है हमारे पास, देखिए दी है 100 to 120, यानी 100 से लेके 120 रुपये तक जो इनकम है, तो ये 120 से कम है। 120 से 120 से कम होगा तो हम यहां लिखेंगे, हमारा लेस देन टाइप है तो हम यहां लिखेंगे लेस देन 120। नेक्स्ट हमारा है 120 to 140, यानी 140 से लेस, तो हम यहां लिख देंगे लेस देन 140। इसी तरह हम बाकी सब में भी लेस देन लिख देंगे, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे। लेस देन टाइप में हम यहां से शुरू करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और मोर देन टाइप में नीचे से शुरू करते हैं। तो अभी लेस देन है तो हमारा यहां से शुरू करेंगे। देखिए पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 है, फिर हम 12 में 14 प्लस करेंगे तो ये 26 हो गया, फिर इसके अंदर हम 8 प्लस करेंगे 34, फिर 6 प्लस किया 40, एंड देन 10, तो ये 50 हो गया। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 50 ही थी क्योंकि 50 वर्कर्स थे। अभी इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। उसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना होगा जिसमें हमारी जो वर्टिकली लाइन है वो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की होती है, और जो ओरिजेंटल लाइन है वो हमारी होती है डाटा की, जो हमारे स्लैब होते हैं या क्लास इंटरवल होते हैं। तो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। देखिए हमने ग्राफ बनाया, इसमें हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हम इस लाइन में वर्टिकली लाइन में लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए हमारी 0 से लेके और 50 तक है मैक्सिमम, मतलब 50 तक है, तो हम 60 तक का ग्राफ बना लेते हैं 10-10 के इंटरवल में। और जो हमारी डाटा है, डाटा को हम 120 से शुरू करके और 200 तक लेंगे, क्योंकि हमारा इंटरवल जो है 120 से 200 तक है। तो इसके अंदर देखिए हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी उसी पॉइंट्स को हमें इसमें शो करना है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए हमारी सबसे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, 12, तो हम इसमें 12 देखेंगे कहाँ आएगा, 120 पे, लेस देन 120 में 12 था, तो ये 12 10 से 2 पॉइंट ऊपर आएगा। यहाँ 140 पे हमारा 26 था, तो 26 जो हमारा यहाँ आ जाता है। 160 पे 34 था हमारा, तो 34 हमारा यहां आ जाएगा, और 180 पे हमारा 40 था, 40 इज हेयर, एंड 200 पे हमारा 50 था, तो 50 हमारा यहां आ जाता है। तो अभी हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये हमने पॉइंट्स को मिला दिया। तो अभी ये जो पॉइंट्स हमारे बने हैं वो हमारे क्या हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो हमें इसी तरह बस इन पॉइंट्स को शो करना है। ये हमारा लेस देन टाइप था इसलिए हमने इसमें अपर क्लास लिमिट लिखा, क्योंकि लेस देन टाइप में हमारी वैल्यू लेस देन 120, फिर लेस देन 140, लेस देन 160 ऊपर जा रही है, तो ये अपर क्लास हो गई। लेस देन में लेस से अप जा रही है, तो इसलिए अपर क्लास हो गई। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा डाटा रिप्रेजेंट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट सम लेते हैं, सेकेंड सम। देखिए हमारा जो सेकेंड सम है वो है, हमें ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स, उनका वेट कैलकुलेट किया गया और उनका वेट रिकॉर्ड किया गया। अब मेडिकल चेकअप में 35 स्टूडेंट्स के 0 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका वेट 38 से लेस था, 3 स्टूडेंट का 40 से लेस, 5 का 42 से। तो इसका मतलब ये हमारी लेस देन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो इसी को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है।
और फिर ग्राफ से ही हमें इसका मीडियन निकालना है, और जो मीडियन हम ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे उसको फॉर्मूला यूज करके उसको वेरीफाई करना है। तो देखिए, ग्राफ हमने बनाया, ये हमारी अपर क्लास लिमिट हो गई, ये हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम हमारे देखेंगे लेस देन 38 पे हमारी वैल्यू है 0, तो 0 हमारा आ जाता है यहाँ। लेस देन 40 पे हमारी वैल्यू 3 है, तो 3 हमारी यहाँ आएगी, अप्रोक्सीमेट यहाँ। एंड 42 पे 5 है, तो 5 यहाँ आ गया। 44 पे हमारा 9 है, 9 हमारा यहाँ आ जाता है। आफ्टर दिस 14 एंड नाउ 28, 48 पे हमारा 28 है वैल्यू। 50 पे हमारी वैल्यू 32 है, और 52 पे आके हमारी वैल्यू 35 आती है। तो अभी इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। देखिए, ये हमने पॉइंट्स मिलाए, ये तो हमारा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हमने इसका मीडियन कैलकुलेट करना है इसी ग्राफ से। मीडियन हमारा क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ, मिड पॉइंट। तो हमारा देखिए, इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी 35 है, तो हमारा एन बाय टू हमारा क्या आता है? 35/2, यानी 17.5। तो 17.5 फ्रीक्वेंसी पे जो टर्म होगी वो हमारा मीडियन होगी। तो देखिए, यहाँ 17.5 हमारा कहाँ आता है? 15 और 20 के बीच में, यहाँ। तो इसके सामने देखिए ये वैल्यू क्या होगी, इसको अगर हम मिला देते हैं, ज्वाइन करते हैं। देखिए, इसको हमने ज्वाइन किया, तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट कहाँ आता है, इसको हम नीचे मिला के देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा 40, यहाँ 47 हुआ इस पॉइंट पे, तो 47 और 46 के बीच में है, तो यानी ये 46.5 है। तो हमारा मीडियन क्या हुआ? 46.5। तो अभी हमें एक और चीज़ इसमें करनी है कि फॉर्मूले के हिसाब से इसका मीडियन क्या आता है, वेरीफाई करना है कि फॉर्मूला लगाकर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन हमारा यही आता है या नहीं। तो चलिए, फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए हमें यहाँ टेबल बनानी होगी, जो नॉर्मल टेबल होती है क्यूमुलेटिव से दूसरे। देखिए, हमने टेबल बना लिया। अभी इस टेबल में हमें यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या था, देखिए, लेस देन 38, यानी 0 से 38। उसके बाद लेस देन 40, तो हम लिख देंगे यहाँ 38 to 40। फिर 40 to 42, 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50 एंड 52 52। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई थी 0, 3, 5, 9, 40, 28, 32 एंड 35। अभी हम इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमारी होगी 0 का 0, 3 माइनस 0 0, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 4 4, सॉरी यहाँ 3 माइनस 0 3 आ गया, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 4 5 4, 14 माइनस 9 5, दिस माइनस दिस 14, दिस माइनस दिस 4 एंड दिस माइनस दिस 3। तो इनका सम अगर हम देखें 35 ही बन रहा है, तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें एन बाय टू चाहिए। एन बाय टू इज 35/2, मीन्स 17.5। मीडियन क्लास हमारी हो जाएगी 17.5। देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर है, नहीं है, उससे ऊपर वाली ये आ गई हमारी, तो मीडियन क्लास हो गई 46 to 48। तो 48 हमारी आ गई, तो एल हमारा हो गया 46। तो एल 46 हुआ, तो हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होती है क्यूमुलेटिव, उससे ऊपर वाली, यानी 14। एंड एफ इज 28 एंड एच इज 2। अगर हम इसकी वैल्यू रखें फॉर्मूले के अंदर, तो हमारा मीडियन क्या बनता है? एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। एल हमारा 46 प्लस एन बाय टू इज 17.5 माइनस सी एफ इज 14 एंड एफ इज 28 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आ गया हमारा 46 प्लस दिस इज 3.5 एंड डिवाइडेड बाय 14। इसको अगर हम
डिवाइड करें तो 46 प्लस इसकी हमारी वैल्यू आ जाती है, दिस इज एफ की वैल्यू, सॉरी हमने ये यहाँ 14 आएगा क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमने लेनी है, यहाँ हम 14 पुट करेंगे तो ये 2 से डिवाइड किया 7 आ गया, दिस इज 7, तो 46.05, तो ये हमारी 46.5 आ गई, तो 46.5 मीडियन हमारा आ गया जो कि हमारा ग्राफिकली भी यही आ रहा था, तो हमारी वैल्यू आ गई 46.5, तो इसका मतलब हमने जो ग्राफ से कैलकुलेट किया दिस इज करेक्ट। चलिए थर्ड सम लेते हैं। नेक्स्ट सम में देखिए हमारा क्या डाटा दिया है, 100 फार्म्स हैं जिनके अंदर प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो प्रोडक्शन हमारे जैसे 100 में से 2 का इतना है, 8 का इतना है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाना है इसका, मोर देन टाइप, तो पहले हमारा जैसे लेस देन टाइप आता था अभी मोर देन टाइप है, हम यहाँ डाटा फिल कर लेते हैं अपना। देखिए हमारा सबसे पहले क्या है, 50 to 55 मीन्स लेस देन 50 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेस देन 50, बट ये हमारा मोर देन टाइप है तो हम लेस देन नहीं लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे मोर देन 50। तो नेक्स्ट में मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75। देखिए मोर देन 75 ही है हमारा लास्ट, क्योंकि 80 से ऊपर तो है ही नहीं, तो हम 80 नहीं लिखेंगे यहाँ, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या बनेगी। देखिए अब लेस देन में हम क्या करते थे, लेस देन में हम सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते थे 2 से, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम टोटल फ्रीक्वेंसी सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, हमने यहाँ लिखना है क्योंकि 50 से मोर तो सारे ही हैं, तो 100 के 100 50 से ऊपर है, 100 आ गया, उसके बाद हम पहली फ्रीक्वेंसी इसमें से माइनस करेंगे 98, हम दूसरी माइनस किया 98 में से, दिस इज 90, 90 में से हमने 12 माइनस किया 78, 78 में से हमने 24 माइनस किया, दिस इज 54 एंड लास्ट इज 16, 54 में से हमने माइनस किया 16 आ गया, तो देखिए हमारी लास्ट फ्रीक्वेंसी 16 है, यहां भी 16 आ गई, तो इसका मतलब दिस इज ओके। इसको अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकली के लिए हमें ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए हमने ग्राफ बना लिया, नीचे जो हमने इस बार लिया है लोअर क्लास लिमिट लिखेंगे उसको, और दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 100 तक है तो हम 100 ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा मोर देन 50 100 पे आता है, तो मोर देन 50 के लिए हम सबसे ऊपर लेंगे वैल्यू, तो ये हमारी हो जाएगी, तो मोर देन 50 के लिए हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पे, यहाँ आ जाता है, और 55 के लिए हमारा 98 पे है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इससे। नेक्स्ट जो है हमारा 90 पे है 60 के लिए, अगला हमारा 65 वाला 78 पे है, 70 वाला हमारा 54 पे है, एंड 75 वाला 16 पे। अभी हम इनको ज्वाइन करेंगे, तो ये जो हमारा बन गया ये हमारा बायोग्राफ इसका रिप्रेजेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।